हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर ये मेरा पहला वीडियो है माइथोलॉजिकल स्टोरीज बिहाइंड इंडियन फेस्टिवल्स का। ठीक है, तो आज से हम बात करेंगे कि जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनके पीछे क्या क्या स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, और क्या क्या उनके कुछ बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो अभी जो फेस्टिवल आने वाला है, मकर संक्रांति का आने वाला है, जो 15 जनवरी को है। ठीक है, तो मकर संक्रांति के फेस्टिवल के ऊपर मैं आपको मकर संक्रांति के पीछे जो स्टोरीज हैं जो वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मकर संक्रांति का फेस्टिवल क्या है? मकर संक्रांति का फेस्टिवल, जिसको हम कई की जगह साउथ में पोंगल, या असम में बिहू, या ये पंजाब में आपका लोहड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस दिन होता क्या है? इस दिन जो सूर्यदेव हैं, जो सूर्यदेव हैं, वो धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं, और जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है गुजरात साइड में। ठीक है, तो अब इसके पीछे, मकर संक्रांति के पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरीज क्या क्या है? तो एक स्टोरी ऐसी है कि इसी दिन सूर्यदेव पहली बार शनिदेव से मिलने गए थे अपने 7 घोड़ों पे बैठकर। ठीक है, इसलिए ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है, सेकेंड वन है महाभारत से, जो कि जब भीष्म पितामह शैया पे लेटे थे, जो बाणों की शैया थी उस पे लेटे थे, तो उन्होंने मकर संक्रांति का ही दिन चुना था अपने मौत के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए। ठीक है, और थर्ड स्टोरी ऐसी है कि इसी दिन रिवर गंगा, जो गंगा माता है, वो भागीरथ जी इसी दिन उनको धरती पर लेके आए थे। ठीक है, इसीलिए इस दिन नदियों में नहाने का खासा महत्व है। ठीक है, इस दिन को चावल की नई फसल को लेकर भी मनाया जाता है, जैसे कि साउथ इंडिया में चावल की जो पहली फसल होती है उसका खीर बना के लोग खाते हैं। ठीक है, और अपने मकर संक्रांति के दिन ही चावल को छू के दान दे दिया जाता है। तो ये सारी स्टोरीज हैं मकर संक्रांति के पीछे, क्यों, कैसे, किस लिए मनाया जाता है। इसी इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।